गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 डाकू बना भाई का सेकंड लेक्चर अब हम शुरू करेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे कि विवेक के साथ आगे क्या हुआ, क्या घटना घटित हुई। डाकुओं का सरदार था मंगल सिंह। उसने पोटली खोली तो वह चौंक गया, चौंक पड़ा। उसने जब पोटली को खोला तो देखा पोटली में कुछ रुपए, काम चलाऊ कपड़े और कुछ दवाइयाँ थीं। मंगल सिंह चिंता में पड़ गया। उसने अपने साथियों से कहा इसे अड्डे पर ले चलो, जहाँ पर डाकुओं को रहने की जो जगह होती है उसको कहते हैं अड्डा। अड्डे पर विवेक की मरहम पट्टी की और डाकू मंगल सिंह पोटली को लेकर विवेक के गांव चल दिया। विवेक को दवाई लगाई, मरहम पट्टी की और उसकी जो पोटली थी उसको लेकर डाकू मंगल सिंह उसके विवेक के गांव चल दिया। मंगल सिंह सूर्योदय से पहले ही विवेक के घर पहुंच गया। मधु की हालत गंभीर थी। बैद जी ने चिंता में डूबे दवाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैद जी चिंता में डूबे हुए थे कि ये दवाइयाँ मिल जाए तो मधु ठीक हो जाए, इसका इंतज़ार कर रहे थे। मंगल सिंह ने दवा लेके गए और देते हुए कहा विवेक एक ज़रूरी काम में फंस गया है, उसने ये दवाइयाँ भेजी हैं। ये मंगल सिंह स्वयं दवाई लेकर गया और दवाई उसने दी। विवेक की माँ ने मंगल सिंह से विवेक के बारे में पूछा के विषय में पूछा और मंगल सिंह को रुकने के लिए कहा। बहुत ज़रूरी काम है कहकर वह चलने लगा। उसने चलते हुए कहा विवेक को तो भी तो उसकी बहन का हाल बताना है, विवेक के पास जाना तो उसकी बहन का हाल जरूर बताना। वह चिंता कर रहा होगा, मधु भी भाई से मिलने के लिए बेचैन है, बेचैन यानी कि परेशान है, अपने भाई से मिलने के लिए परेशान है। भाई के लिए बहन की ममता देखकर मंगल सिंह का हृदय पिघल गया। भाई के लिए बहन का प्यार और बहन के लिए भाई का प्रेम देखकर मंगल सिंह की हृदय जो था मंगल सिंह का हृदय बहुत पिघल गया। उसकी आंखें भराई, आंखों में आंसू आ गए ये प्रेम देखकर। मंगल सिंह ने अपने अड्डे पर वापस लौटकर विवेक से माफ़ी मांगते हुए कहा अब तुम घर जा सकते हो, तुम्हारी बहन ठीक है। मंगल सिंह जब अड्डे पर वापस पहुंचा तो उसने विवेक से माफ़ी मांगते हुए कहा कि तुम्हारी बहन ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जब तुम्हारे घर वाले तुमसे मेरे बारे में पूछें तो मेरा परिचय डाकू के रूप में दे सकते हो। मंगल सिंह ने अपना बारे में कहा कि यदि मेरे बारे में पूछें तो तुम मेरा परिचय जो डाकू के रूप में दे सकते हो। मंगल सिंह का ऐसा व्यवहार देखकर विवेक की आंखें भर गई, भर आई यानी कि आंखों में आंसू आ गए। मंगल सिंह का ऐसा व्यवहार देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने मंगल सिंह को गले लगाते हुए कहा तुम भी मेरे साथ चलो, अब मधु के दो भाई हैं। ये बात सुनकर व्यवहार जब देखा तो विवेक के अंदर भी ये बात आई कि मंगल सिंह को उसने गले लगाया। गले लगाने के बाद उससे कहा तुम भी मेरे साथ चलो, मधु के अब एक नहीं दो भाई हैं। और दोनों आनंद में डूबे गांव की ओर चल दिए। वहां उनकी बहन प्रतीक्षा कर रही थी, मधु विवेक की बहन प्रतीक्षा कर रही थी। इस विश्वास और प्रेम को पाकर मंगल सिंह ने डकैती के धंधे को त्याग दिया। इस विश्वास इतना प्रेम मिलने के कारण मंगल सिंह ने अपने डाकू जो चोरी चपाटी करता था, डाकू छीन झपटा कर यात्रियों को छीना झपटी करते थे, सामान छीन लेते थे, वो सारा काम छोड़कर एक अच्छा व्यक्ति बना। डकैती का धंधा उसने छोड़ दिया। ये बात सही है, ज़रूरी नहीं है शुरू से जो गलत काम करता आया व्यक्ति आगे जाके सुधर नहीं सकता, सुधर सकता है। अच्छी संगत ही व्यक्ति को काफ़ी कुछ बदलने पर मजबूर कर देती है। और अच्छा प्रेम और अच्छा संगत देखकर विवेक एक अच्छे परिवार का लड़का था, भाई बहन का प्रेम उसने घर पे जाकर देखा। उसकी बहन माँ बहन किस तरीके से परेशान है, विवेक परेशान है, ये सब देखकर और मंगल सिंह को
का व्यवहार ऐसा व्यवहार देखकर विवेक को भी लगा और वो उसको अपने गांव वापस लेके गया। और इस प्रेम और विश्वास को पाकर मंगल सिंह ने अपना काम छोड़ दिया और वो एक अच्छा व्यक्ति बन गया। ये अच्छाई होती है और हमें अच्छी संगत हमेशा लेनी चाहिए, अच्छे लोगों की दोस्ती करनी चाहिए, अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका लास्ट हो गया है।